कोई भी हमारे पास मोबाइल फोन आया, जिस मोबाइल फोन में आप सॉफ्टवेयर करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? सॉफ्टवेयर करना चाहते हो। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है आपका मोबाइल फोन हैंग हो गया, रिस्टार्ट हो रहा है, स्लो चल रहा है, कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है या पासवर्ड लगा के भूल गया, तो हम लोग फोन को फॉर्मेट करते हैं। जब हम मोबाइल फोन को फॉर्मेट करेंगे तो फॉर्मेट करने के लिए हमारे फोन में दो तरीके के मोड होते हैं। एक तो पहला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिकवरी मोड, क्या बोलते हैं? उसके बाद दूसरा मोड होता है जिसको बोलते हैं डाउनलोडिंग मोड। रिकवरी मोड मोबाइल फोन में फॉर्मेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और डाउनलोडिंग मोड, फ्लैशिंग मोड, फास्ट बूट मोड, ये हम लोग फोन में फ्लैशिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पहले तो हम लोग मोबाइल फोन को फॉर्मेट करना सीखते हैं, क्या करना सीखते हैं? फॉर्मेट करना सीखते हैं। आप टॉपिक डालो एंड्रॉयड फोन को फॉर्मेट करना, एंड्रॉयड फोन को फॉर्मेट कैसे किया जाता है, ये सबसे पहला मेथड है। हमने बताया था कि फोन को खाली करने के, सॉफ्टवेयर करने के कई सारे रास्ते हैं, ये हम सबसे पहला रास्ता बताते हैं। किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल फोन को जब आप फॉर्मेट करेंगे, एंड्रॉयड मोबाइल फोन को फॉर्मेट करने के लिए आपके पास फोन आया है, या फोन में फॉर्मेट करने के मैंने आपको बताया कई सारे तरीके, कैसा? कोई पासवर्ड लगा के भूल जाए, कोई हैंग हो रहा हो, या कोई मोबाइल फोन में फंक्शन खुले ना खुले, वायरस आ जाए, कैसा भी सिचुएशन हो तो फॉर्मेट कर दीजिए। फॉर्मेट करने के लिए सबसे पहली बात, हमारे मोबाइल फोन की जो बैटरी है वो कम से कम भैया 30% चार्ज होनी चाहिए। अगर बैटरी 30% कम होगी तो फोन फॉर्मेट करते समय बीच में लटक सकता है, रुक सकता है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप मोबाइल फोन की बैटरी को 30% कम से कम चार्ज रखें, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, उसकी वॉल्यूम प्लस माइनस प्लस पावर, होम, यूएसबी, ये सारी चीजें काम करनी चाहिए। प्लस का माइनस का मतलब होता है जो आवाज कम ज्यादा करने वाली बटन होती है, पावर वाली बटन होती है, और डाटा केबल वाली बटन होती है, ये सारी बटन काम करनी चाहिए। अभी पहले समझ लो, बाद में लिखना, तुरंत प्रिंट आउट निकालना शुरू कर देते हो, छापना। तो पहले हमारी क्या होनी चाहिए, बैटरी 30% चार्ज होनी चाहिए, वॉल्यूम प्लस माइनस, पावर, होम और यूएसबी, ये सारी। होम का मतलब, हाँ होम का मतलब, तो किसी फोन में होम बटन होती है, जैसे सैमसंग में आती थी, J2 में आती थी, बीच में बटन आती थी ना, और जिसमें नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम प्लस माइनस, पावर, यूएसबी, डाटा के लिए सारी बटन काम करनी चाहिए। जब ये सारी बटन काम करेंगी तभी आप मोबाइल फोन में आप रिकवरी मोड खोल सकते हैं। क्या खोल सकते हैं? रिकवरी मोड खोल सकते हैं। कैसे खोलेंगे मैं तरीका बताता हूँ। रिकवरी मोड ओपन करना, रिकवरी मोड ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला तरीका, पहले समझो बाद में लिखिए। सबसे वॉल्यूम प्लस बटन दबाएंगे, क्या करेंगे? प्लस पावर बटन दबाएंगे, इस बटन को होल्ड करके रखेंगे, इसको छोड़ देंगे, जब फोन चालू हो जाएगा, जैसे प्लस माइनस में आप फोन प्लस बटन दबाया, फोन को चालू किया, पहले फोन को तो बंद कर लेना है, क्या कर लेना है? स्विच ऑफ कर लिया। स्विच ऑफ करने के बाद वॉल्यूम प्लस बटन दबाया, प्लस बटन दबाने के बाद पावर बटन दबाया, जैसे ही फोन चालू हुआ तो पावर बटन को छोड़ दिया, लेकिन प्लस बटन को दबा कर रखना है। कब तक दबा कर रखना है? जब तक आपके फोन में रिकवरी मोड ना खुले। अगर मान लिया तुम्हारा रिकवरी मोड ओपन हो गया, तो उसके बाद अगला काम क्या करना है? वॉल्यूम माइनस, तब रिकवरी मोड खुलेगा। मतलब अगर इससे ना खुले तो वॉल्यूम माइनस वाली बटन और पावर बटन दबाओ, तब फोन में रिकवरी मोड खुलेगा। इसको भी होल्ड करके रखना है, इसके बाद भी नहीं खुलता तो वॉल्यूम प्लस दबाया, प्लस वॉल्यूम दबाया, प्लस पावर दबाया, फिर आपके फोन में रिकवरी मोड खुलेगा। अगर वॉल्यूम प्लस माइनस पावर बटन दबाया, रिकवरी मोड पे गए, अगर रिकवरी मोड फिर भी नहीं खुलता, ऐसा करने के
बावजूद भी आपके मोबाइल फोन में रिकवरी मोड नहीं खुलता। अब आपको क्या करना है, वॉल्यूम माइनस दबाया, वॉल्यूम प्लस दबाया, यूएसबी केबल लगाया, उसके बाद प्लस पावर बटन दबाया, तब सेट में रिकवरी मोड खुलेगा। पावर, अब आपके सेट में रिकवरी मोड खुलेगा। जब आपके फोन में रिकवरी मोड खुल जाएगा तो रिकवरी मोड में वो फंक्शन आपको दिखाई देने लगेंगे, फॉर्मेट करने वाले जो फंक्शन है वो सामने स्क्रीन में आ जाएंगे। यदि आपके पास कोई कीपैड फोन आता है, कौन सा फोन आता है, जैसे जियो के या 4G मोबाइल फोन और भी चल रहे हैं, उसमें क्या होता है भाई, वॉल्यूम प्लस माइनस तो बटन होती नहीं, उसमें क्या करना होता है, उन मोबाइल फोन में या तो स्टार्ट बटन दबाओ या हैश दबाओ या अप दबाओ या डाउन दबाओ या ओके दबाओ या 8 नंबर बटन दबाओ या बैक बटन दबाओ, उसके बाद पावर बटन दबाओ, तब आपके सेट में रिकवरी मोड खुलता है। हाँ, पहले ये दबाओ फिर चालू करो, ना खुले तो ये दबाओ फिर चालू करो, ना हो तो ये दबाओ फिर चालू करो, ना हो तो ये दबाओ फिर चालू करो, ये दबाओ फिर चालू करो, ये दबाओ फिर, ऐसे तुमको 3-4 बार ट्राई करना पड़ेगा। हाँ, चौथा नंबर लिखा, वॉल्यूम प्लस दबाया, माइनस दबाया और डाटा केबल लगाई, अब पावर बटन दबाया। हाँ, ये सैमसंग का मोबाइल फोन में ऐसा काम करता है। तो जब आपके फोन में रिकवरी मोड खुल जाएगा, क्या लिख के आएगा, नीचे लिख के क्या आएगा, एंड्रॉयड सिस्टम, एंड्रॉयड सिस्टम रिकवरी, उसमें से पहला ऑप्शन लिखा होगा रिबूट, क्या लिखा होगा, दूसरा ऑप्शन लिखा होगा अपडेट, तीसरा ऑप्शन लिखा होगा वाइप डाटा, क्लियर एमएमसी फॉर्मेट, और या तो लिखा होता है हाँ फैक्ट्री रीसेट, अगर इनमें तो कोई भी लिखा होता है तो आप उसको कर दीजिए एग्जिट। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस ऑप्शन को लेना होता है, जैसे इस ऑप्शन को ले लेते हो तो आपका मोबाइल फोन क्या होता है, मोबाइल फोन में फॉर्मेटिंग स्टार्ट हो जाती है, 3 बार फॉर्मेटिंग होती है। फॉर्मेटिंग होने के बाद जब आपका मोबाइल फोन फॉर्मेट हो जाएगा, फॉर्मेट होने के बाद तुमको रिबूट करा देना है, क्या करा देना है, रिबूट कराना, जैसे आप फोन को रिबूट कराएंगे तो तुम्हारा फोन खाली हो जाएगा, पूरा फोन फ्रेश हो जाएगा, फोन दोबारा चालू होगा, लेकिन फोन दोबारा चालू होने के बाद उसमें से FRP लॉक लग जाएगा, क्या लग जाएगा, अब उसको कैसे तोड़ा जाएगा उसका भी तरीका बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, पहली बात हम लोग इसका एक बार प्रैक्टिकल समझ लेते हैं, ये तो जो मैंने बताया, तुम्हारा फोन कौन सा है, इस मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर करना है, ठीक है, पासवर्ड ये भूल गए, पासवर्ड भूलने के बाद हमने इसे चालू किया, पासवर्ड भूल गए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे, क्या करेंगे, अब इसमें होम बटन है ना सैमसंग का, तो होम बटन को लेगा, तो हम लोग फोन को क्या करेंगे, पहले फोन को स्विच ऑफ करें, क्या करें, स्विच ऑफ कर दिया, जब आप मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर देंगे तो पहले पूरा फोन बंद हो जाने दें, बैटरी 30% चार्ज होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, बीच में तक जाएगा, हाँ डेट हो जाएगा, जो हमारा ये फोन बंद हो जाए, तो बंद हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, वॉल्यूम प्लस दबाना है, क्या दबाना है, नहीं खुल जाता है लेकिन बीच में अटक भी जा सकता है, जो इंट्रक्शन है कहते हैं भाई, पानी में चल रहे हो, गीला है, चप्पल पहने हो तो आराम से चलो, अब चलोगे मुंह भर के गिल पर तो क्या होगा, टूट जाएगा तो पाए क्या, पाए ठीक नहीं होगा, अगर ठीक हो जाएगा लेकिन टूट जाएगा, ठीक तो हो जाएगा, हमने प्लस दबाया, होम दबाया, पावर दबाया,
जब फोन चालू हो जाए तो पावर को छोड़ देना है, इन दोनों को दबा के रखना है, जब तक दबा के रखना है जब तक तुम्हारे फोन में वो वाला मोड ना खुले। हाँ खुल गया, आ गया देखो। क्या क्या लिखा हुआ है वो भी देखना चाहे तो आओ देखते हैं तुमको कंप्यूटर पे क्या क्या लिखा हुआ है, ये क्या क्या लिखा हुआ है इसीलिए इतना तामझाम लगा रखे हैं। देखो इधर देखो, देखो यहाँ पर लिखा है रिबूट सिस्टम नाउ, अब देखो इससे क्या करोगे नीचे करोगे, क्या लिखा है रिबूट लोडर लिखा है, फिर नीचे करेंगे तो क्या लिखा है अपडेट अप्लाई वाइप डाटा, तो हमको किसको करना है करना ना, उसमें ऊपर लिखा ना देखो लिखा क्या लिखा, यूज वॉल्यूम अप डाउन एंड पावर बटन, अप डाउन से होगा पावर बटन से ओके का काम होगा, तो ये देखिए अप डाउन अप डाउन लिखा वाइप डाटा, अब वाइप डाटा को हम लोग क्या करेंगे फॉर्मेट करेंगे, और नीचे यस, जैसे यस कर देंगे तो आपके मोबाइल फोन में नीचे फॉर्मेटिंग चालू हो जाती है, फॉर्मेट हो गया, फॉर्मेट होने के बाद तुमको क्या कर देना रिबूट सिस्टम नाउ, क्या कर देना है रिबूट सिस्टम नाउ, फोन बंद होगा दोबारा चालू होगा, जैसे बंद होगा दोबारा चालू होगा मोबाइल फोन में लॉक टूट गया, क्या हो गया हाँ अब फायर भी लगेगा, अगर इसके अंदर जीमेल लॉगिन होगा तो फायर भी लगेगा, जीमेल नहीं लॉगिन तो वो भी नहीं लगेगा, वो भी देखने के बाद ही पता चलेगा। हाँ लॉक खुल गया, अभी तुम्हारे सामने देखते हैं, हमने वाइप डाटा किया था रिबूट सिस्टम नाउ, नीचे लिखा था अपडेट, फिर लिखा था वाइप डाटा, वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट ऐसा लिखा था, या किसी किसी में लिखा होता क्लियर एमएमसी, या तो साफ साफ लिखा होता फॉर्मेट, तो इन चार पांच ऑप्शन में कोई भी एक ऑप्शन ले लीजिए, जैसे आप ऑप्शन को ले लेंगे तो फोन फॉर्मेट हो जाएगा। फोन फॉर्मेट होने का मतलब लॉक खोलना, फोन फॉर्मेट होने का मतलब लॉक खोला, आपने मोबाइल फोन को फॉर्मेट कर दिया, फॉर्मेट करने का मतलब आपने मोबाइल फोन का लॉक खोल दिया। ठीक है स्टार्ट करेंगे, ये बोला पहले वाईफाई कनेक्ट करो, जब पूरा फॉर्मेट हो जाएगा तो उसको नेक्स्ट 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 करके क्या करेंगे चालू करेंगे। अभी देखते हैं ना, क्या मांग रहा है जीमेल आईडी पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है जब जीमेल आईडी पासवर्ड डालेंगे तभी आगे जाने देगा, नहीं तो होगा होगा कहाँ नहीं, फिर कहाँ पर जाना पड़ेगा तुमको सैमसंग में जाना पड़ेगा, सैमसंग में जाओ अल्टीमेट प्लेसर में जाओ।
अल्टीमेट फ्लैश है, नीचे दिखा अल्टीमेट फ्लैश नीचे। अब इस फोन को लगाऊं, अब फोन कनेक्ट होना चाहिए, ठीक। रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो, ऊपर 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 ऊपर, रिफ्रेश करो। देखो फोन कनेक्ट हो गया, कॉम पोर्ट सैमसंग आ गया। अब इसमें जाओ, टूल्स FRP में जाओ, टूल्स FRP ये ऊपर ऊपर जो चलाता है उसको नहीं देखता, जो नहीं चलाता वो सबको दिखता है। रीसेट FRP जो ओल्ड है ना उस पर क्लिक करो, एरो पे, हाँ न्यू मेथड ले लो, ले लो रीसेट FRP कर दो। देखो सॉफ्टवेयर दिखाओ, यहाँ पर यहाँ अभी चलेगा, देखना फोन रिस्टार्ट होगा वहाँ भी चलेगा सॉफ्टवेयर, देखना फोन में सॉफ्टवेयर चलेगा, देखना तुरंत रिस्टार्ट हो जाएगा, ये भी रिस्टार्ट होगा, जैसे रिस्टार्ट होगा FRP टूट जाएगा। देखो ये भी रिस्टार्ट होगा ना, फोन देखो रिस्टार्ट हो गया, टूट गया FRP। ये सैमसंग के पुराने मोबाइल फोन में FRP तोड़ने का तरीका है, जिसमें होम बटन आता था वो यहाँ से टूटता था, हाँ सब इससे टूट जाते हैं तुरंत। इसको YouTube में देख के बाईपास करना पड़ता है, ताम जाम करना पड़ता है, इससे तुरंत है ना, तो वो पूरा चालू हो गया।